उत्तराखंड में रेलवे की अतिक्रमण की गई जमीन का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है, जहां हल्द्वानी की बनभूलपुरा स्थित 30 हेक्टेयर भूमि का प्रारंभिक सर्वे किया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा स्थित रेलवे की अतिक्रमण की गई भूमि का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज से सर्वे कार्य शुरू हो गया है। जिला प्रशासन अतिक्रमण की गई 30 हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर रही है। इस भूमि पर 4,000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। इस सर्वे में भवन संरचनाओं, पानी और बिजली के कनेक्शन, सरकारी भवनों और अन्य संबंधित क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया जाएगा। अगले 15 दिनों तक यह सर्वे कार्य जारी रहेगा, जिसमें गूगल कोऑर्डिनेट के माध्यम से भी स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देश में रेलवे विभाग के द्वारा मांग की गई जमीन की और उसी के क्रम में सर्वे किया जाना निर्देशित है। नगर निगम, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, पूर्ति विभाग, रेलवे विभाग, अन्य जो भी आवश्यक विभाग हैं उनके द्वारा सभी से एक एक सदस्य लेकर के टीम बनाई गई है। कुल 6 टीमें बनाई गई हैं और आज से सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है। सर्वे कार्य प्रारंभ करने से पहले हमारे एसडीएम साहिबान, उपनगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें ब्रीफिंग भी की गई है। जो सर्वे टीम है वो मौके पर जाएंगे, क्या डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसका डिटेल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए। लेकिन जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश थे और रेलवे के साथ इसमें बैठक हुई थी, तो इसी के तहत विभागों को लेकर के टीमों का गठन किया गया और रेलवे के सहित 8 टीमें, 8 विभागों के कर्मचारियों के साथ ये यहाँ पे बनभूलपुरा में सर्वे का कार्य शुरू किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।